से अगले दिन होगी। हमें ये भी पता है कि इस वार्ता पे यही हश्र होना था। आज सीटू के दलालों के गिरोह का एक सरगना सिद्धेश्वर शुक्ला बोल रहे हैं जो हमारी वार्ता है वो असफल हो गई। अब चूंकि अंगूर मिले नहीं, क्योंकि सरकार के आगे भी टाल नहीं गली, क्योंकि सरकार भी इतनी बात समझ गई है कि इन दो ऑटो में सवार एजेंटों के पास इतनी भी ताकत नहीं है कि ये ठीक से भ्रम भी फैला सके। कोशिश तो की थी सरकार ने कि ये सीटू वाले दलालों का कार्ड खेल के हमारी हड़ताल में हमारी बहनों के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन फैला दिया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया और अब ये प्यादा भी पिट चुका है। लेकिन चूंकि वार्ता हुई, समझौता तो होता ही नहीं, लेकिन वार्ता हुई, चाहे वो बेनतीजा ही क्यों ना हो लेकिन वार्ता हुई, तो इसकी सजा सरकार को मिलेगी। मेरे पास आज भी मैसेज आया सिद्धेश्वर शुक्ला का, आज भी आया सिद्धेश्वर शुक्ला का मैसेज हमारी सुनीता बहन के पास। ये अपनी नरकतों से तब तक बाज नहीं आएंगे जब तक इनका सादर सत्कार ठीक से ना आ जाए। यूनियन के लाल रखते इनका इलाज थोड़ा ठीक से करना पड़ेगा, थोड़ा ठीक से समझाना बुझाना पड़ेगा। मैंने कहा एफआईआर करवानी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं। एफआईआर कर दो आज, ये दल्ला सिद्धेश्वर शुक्ला हमारी यूनियन की अग्रणी सदस्य सुनीता जी को लगातार स्टॉक कर रहे हैं, इनका पीछा कर रहे हैं। एक तो इसकी पत्नी को भी बता दो कि तुम्हारे पति की हरकतें नहीं है, इसकी हरकतें बता दो, शराफत से पेश आओ, नहीं तो जैसे हर किसी दलाल और एजेंट को इस हड़ताल के दौरान सबक सिखाया, सीटू के एक एक दलाल और एजेंट को भी वो सबक सिखाया जाएगा। एफआईआर तो आज ही होगी इसके खिलाफ। लेकिन बहनों, कल की अपनी चेतावनी महारैली की तैयारियां अभी से ही शुरू कर देनी है। कल रैली निकलेगी, पूरे गाजे बाजे के साथ निकलेगी, क्योंकि सरकार ने बार बार चेतावनी के बावजूद वो हरकत की है जिसके लिए हमने सरकार को मना किया था। ये हरकत मत करो, तुम्हें भारी पड़ेगी और भारी ने पड़ रही है। आज हमारी संगम विहार खानपुर मेरोली की बहने और मेरे घर से हमदर्द की भी बहने, चार प्रोजेक्ट की बहने, लगभग 500 से ज्यादा बहने संगम विहार के इनके विधायक प्रकाश जारवाल का बेहतरीन तरीके से घेराव करते आई हूँ। ये वही विधायक था जो 2017 में कुछ आंगनवाड़ी की चमचियों और कुछ सुपरवाइजर पीडीपीओ को बस में भर के अरविंद केजरीवाल से एक ऐसी दूसरी फर्जी वार्ता करवाने के लिए लाया था। वो प्रकाश जारवाल था जिसने ये हरकत की थी। जब वो प्यादा पिट गया तो एजेंट सीटू का प्यादा इस बार इन्होंने आजमाया, लेकिन हमारी बहनों ने एक बार फिर से इनके सारे मंसूबों पर पानी फेर कर दिखला दिया है कि कोई डील
नहीं चलेगी, जो यहाँ पर यूनियन है वार्ता तुम्हें उससे करनी पड़ेगी। जब तक टेबल पर दिल्ली से आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के नुमाइंदे नहीं बैठेंगे तब तक हड़ताल जारी है। और सिर्फ उसी से बिल्कुल, क्योंकि जब दलालों का ज्यादा पिट गया है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि रातों रात कोई एक और फर्जी यूनियन बन जाए जो आंगनबाड़ी कर्मियों की नुमाइंदगी करने का दावा करे। हम लोगों ने भी घाट घाट पर पानी पिया है और ये केजरीवाल से हम आज इस दिन से नहीं भिड़े हैं, 2015 से हम देख रहे हैं। जो यूनियन दिल्ली की आंगनबाड़ी कर्मियों की असली यूनियन है, वास्तविक यूनियन है, उनकी प्रातिनिधिक यूनियन है, उससे वार्ता करने के अलावा ये तिगड़मबाज कोई ना कोई जुगत बनाता रहता है कि कैसे हड़ताल को मैं तोड़ूं। लेकिन क्या हमने इन्हें कभी कामयाब होने दिया है? नहीं। होने दिया है बहनों? नहीं। इस बार होने देंगे? नहीं। हड़ताल जारी रहेगी? नहीं। थक तो नहीं गई हो? नहीं। क्योंकि कल नए जोश और भरोसे के साथ चेतावनी महारैली में सारी बहनों को आना है। घुटनों की सिकाई करनी है आज ही कर लेना। ठीक है साथी, कुछ बोलना था? बस मैं शिवानी की बात में एक चीज जोड़ते हुए, देखिए आदमी जब धरती पे आया था तो रिक्शा ठेला बस ये सब तो था नहीं, तो कुदरत ने उसका शरीर रोज कम से कम 9 किलोमीटर चलने के लिए बनाया है। जिन भी लोगों को शुगर की समस्या होती है, डायबिटीज की समस्या होती है, ओवरवेट अधिक वजन होने की समस्या होती है, उस सबका कारण यह कि हम 500 मीटर भी नहीं चलना चाहते। तो इसलिए तो अच्छी बात है, जब हड़ताल खत्म हो जाएगी ना तब भी 6000 किलोमीटर रैली चलिए, और अगर रैली होगी तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात है। जितने लोग की स्वास्थ्य की दिक्कत होगी, 10 दिक्कत होगी ना, उसमें से 5 दिक्कत खत्म हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ हफ्ते में एक निकाल लिया करो, बहुत फायदा होता है इससे। मेडिकल कैंप के साथ साथ वीकली रैली का सिस्टम भी चालू कर देते हैं, क्योंकि हमने पहले भी बोला था हमें कोई जल्दी नहीं, लेकिन इसके बावजूद बहनों अभी से ही सारी बहनें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फोन पर एक एक बहन को कल की रैली के बारे में सूचित करेंगी। आपको मैंने कल भी बताया था, आज और कल की रैली की अटेंडेंस मिलते ही आपको ये मान्यता प्रदान करेंगी कि आप अपने यूनियन के आई कार्ड के, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है यूनियन का आई कार्ड, कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है, वो ICDS का आई कार्ड नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यूनियन आई कार्ड, वो यूनियन जो आपकी बहनों ने खून पसीने से बनाई है, खड़ी की है, उसकी नींव आप लोगों ने रखी है, उसका आई कार्ड वो हमारे लिए किसी तंगे से कम नहीं है। उसको हम हमेशा अपने सीने से लगा कर रखेंगे, 24 घंटे वो हमारी असली पहचान होगा कि ये है यूनियन की तगड़ी बंदी। इसलिए वो यूनियन आई कार्ड हमें हमारी जान से ज्यादा प्यारा होना चाहिए और किसी मेडल या ट्रॉफी से वो कम नहीं होगा। तो कल वो मिलेगा, लेकिन आज और कल हमारी बहनों ने जो जाबाजपन दिखाया होगा, जो दिलेरी दिखाई होगी और जो मौजूदगी दिखाई होगी, उसके बाद मिलेगा। आज बहने आई, लेकिन कुछ बहनों को थोड़ी सी दिक्कत होती है तो उन्हें लगता है कि यहां बैठने से अच्छा मैं थोड़ा छांव में चली जाऊं। ऐसा नहीं होना चाहिए, कल रैली में भी चलना पड़ेगा, सबके लिए गाड़ी का इंतजाम नहीं हो सकता, चलना पड़ेगा। आज ही बहनों को बादाम खा लेना, बाकी यहाँ पर सारा मेडिकल
किसी बहन को कोई दिक्कत होती है, हमारी रैली में डॉक्टर्स भी रहते हैं, तो ऐसी कोई समस्या आवलन तो आएगी नहीं। और दूसरी बात, ऐसा भी कोई कयामत नहीं आ जाती है, 3-4 किलोमीटर की रैली निकालना, ये तो हमें भाई, ये तो हमें हर हफ्ते करना चाहिए, अभी हम कर नहीं रहे, तो हमारी एक कमी है। लेकिन कल सारी बहने सुबह 10 बजे बिल्कुल लेट नहीं करना है, कल अपने अपने घरों से 5:30-6 बजे निकल लो, यहाँ 10 बजे आना है, और वही हमारा जो ड्रेस कोड है लाल रंग, जो बहने अपने अपने प्रोजेक्ट से झंडे बनाकर ला सकती है लाए, क्योंकि आपको पता है यूनियन की अभी तक प्रॉपर्टी मिली नहीं है। थाने पर भी रैली कटवा दो, क्या थोड़ी देर करवा दो, 30,000 पकड़ो। लेकिन हाँ, मजाक की बात नहीं है बहनों, सीरियस बात यह है कि कल सारी बहनें पहली बार टाइम से आएंगी, बल्कि 10:30 कर दो, 10:30 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, सारी बहने अपना आई कार्ड जरूर साथ रखेंगी। तीसरी बात, जो हमारे ड्रेस कोड है लाल रंग, आपके पास पूरा लाल कोई कपड़ा नहीं है, दुपट्टा पहन लो, हालांकि हमने पिछली रैली में देखा सभी बहने पहन के आई थी, नहीं है तो कोई नई चीज नहीं खरीदनी है, ऑलरेडी जो है वो पहन के आइए। लेकिन सब बहनों को कल आना है, अभी से सारे व्हाट्सएप ग्रुप में बता दीजिए, कल 4:30 बजे सब बहनों को यूनियन आई कार्ड मिलेगा, लेकिन सारी बहनों को रैली में शामिल होना है, अपनी हाजिरी लगानी है और पूरे दमखम के साथ आना है। हर प्रोजेक्ट की वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर ये जिम्मेदारी लो कि वो अपने पूरे प्रोजेक्ट में आपकी तरह कल की रैली की खबर पहुंचाएगी, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, और ना सिर्फ वॉलंटियर साथ ही, ये सारी जिम्मेदार बहनें आमतौर पर आगे बैठती हैं, जो सबसे जिम्मेदार बहनें हैं वो आके अपनी जगह रोक लेती हैं सुबह सुबह। आपकी ये जिम्मेदारी है कि एक एक बहन को कल की रैली के बारे में बताना है, और शाम को आईकार्ड मिलेंगे ये भी बताना है। जिनकी आज अटेंडेंस नहीं लगी है उनके रजिस्टर अपडेट किए जाए।